नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। देवास के कन्नौत के पास 40 फीट खुले बोरवेल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा 4 वर्षीय रोशन के लिए देश भर में दुआएं हो रही हैं। इसको लेकर कालों के काल माने जाने वाले उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी विशेष पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के पंडित पुजारियों ने मिलकर महामृत्युंजय जाप किया और मासूम रोशन के लिए भगवान से प्रार्थना की कि वह जल्द से जल्द बोरवेल से बाहर आए और उसे भगवान नई जिंदगी दे। महाकाल के दरबार में आज जब सुबह पता चला कि एक बालक जन्म और मृत्यु के संघर्ष के बीच में लड़ रहा है, तो ब्राह्मणों का दायित्व होता है कि सबकी दीर्घायु की कामना करें। इसी क्रम में बाबा महाकाल के दरबार के अंदर उस रोशन नाम के बालक के लिए जल दूध से अभिषेक किया गया और भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई है परमपिता परमात्मा वह सकुशल वापिस उस बोरवेल में से निकले। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।